हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक चीज़ दिखाने वाले हैं जो कि आरएस के लिए फेमस है। सो वो चीज़ गाइस अभी इंस्टॉल करने वाले हैं हम लोग। सो जो वायर था वो वायर अभी गैरेज पे नहीं था, इसलिए वायर जो लाने गए हैं। और गाइस अभी देख सकते हैं आप, मैंने जो ये वाइज़र को रैप किया है ब्लैक पे, आप देख सकते हैं ये वाइट था और कंपनी फिटेड वाइज़र ही मैंने रखा है। बबल वाइज़र मैंने नहीं लगाया क्योंकि बबल वाइज़र जो है वो थोड़ा ऊंचा हो जाता है, लुक उससे अच्छा आता है, पर इससे भी काफ़ी अच्छा लुक जो है आ जाता है। आरएस का जो ओरिजिनल लुक ही अच्छा लगता है गाइस, तो इसलिए बबल वाइज़र मैंने इंस्टॉल नहीं किया, वो बाद में सोचेंगे उसको लगाने की। फिलहाल तो ब्लैक ही कर दिया मैंने और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। सो गाइस आज हम लगाने वाले हैं गाइस रिंग लाइट आरएस का, और वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अगर आरएस ऑन करते हैं तो आपको पता होगा, आपने अगर लगाया होगा। सो गाइस आप जानते होंगे कि रिंग लाइट कैसा होता है, और अगर आपने लगाया है गाइस तो कमेंट करके बताइए कि कौन सा कलर आपने लगाया है। सो गाइस रिंग लाइट मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिंग लाइट, इसको रिंग लाइट बोलते हैं गाइस आरएस का। सो एक रेड है, एक ब्लू है, और इसको मैंने डबल टेप कर दिया है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे, इसको मैंने कोई ग्लू नहीं लगाया है, फेबिक्विक या फिर डेंडाइट वगैरह। यहाँ पे डबल टेप आप देख सकते हैं, इसको काट कूट के मैंने जो है यहाँ पे पीछे राउंड करके लगा दिया है। और अभी गाइस इसका आप अगर फोकस देखेंगे, ये एक ओरिजिनल प्रोडक्ट है, और इसका जो पावर होता है गाइस ये वाटरप्रूफ भी है और बहुत ही बढ़िया इसका लाइट आता है, और दिखने में क्या ही लगता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो गाइस अभी हम फिटिंग करेंगे, आपको दिखाएंगे कि रिंग लाइट लगाने के बाद जो है गाइस लुक कैसा आ जाता है। सो गाइस इसको फिटिंग करने के बाद जो है आरएस का एक लुक ही चेंज हो जाता है। और गाइस मेरा मन था कि आरएस लूँगा और फिर ऐसा कुछ रिंग लाइट वगैरह मॉडिफिकेशन करूँगा, तो गाइस आज जो है वो होने वाला है। आप देख सकते हैं DRL यहाँ पे, जैसे चाबी ऑन करने पर DRL जलता है गाइस, वैसे ही ये इसको भी हम एक स्विच से कनेक्ट कर देंगे। स्विच में लेके आया हूँ, आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस ये देख सकते हैं आप स्विच। सो ये इसका प्राइस है गाइस 60 रुपये इसका प्राइस है। सो इसको भी हम इंस्टॉल करेंगे और स्विच से कनेक्ट करेंगे ताकि वो पूरा दिन नहीं जले, ताकि शाम से रात तक ही इसको मैं जला पाऊँ। और गाइस बैटरी भी कंजम्पशन भी थोड़ा बचेगा हमारा। और आरएस में गाइस प्रॉब्लम क्या होती है कि आप डिपर में अगर स्टार्टिंग करते हैं बाइक, अगर आइडल पे खड़ी रहते हैं स्टार्ट, तो गाइस उसमें गाइस क्या होता है कि एक प्रोजेक्टर जलता है, और अगर उसको हम अपर करते हैं तो गाइस दोनों प्रोजेक्टर जलती है। तो गाइस ये जो रेड वाला है ये मैं राइट साइड पे लगाऊंगा, ताकि जो है एक बार अगर प्रोजेक्टर जलता भी है तो अगर मैं स्विच ऑन करता हूँ तो ये राइट साइड वाला जो है रेड वाला ये जो है पता लग पाए कि हाँ कुछ रिंग लाइट वगैरह लगा हुआ है। और गाइस अगर हम स्टार्ट नहीं करते बाइक को और डायरेक्ट स्विच ऑन करते हैं, कनेक्शन अगर देते हैं हम, तो गाइस दोनों जलेंगी। और ब्लू और रेड में कॉम्बिनेशन लिया मैंने, क्या ही लगेगा लुक वो आप इंस्टॉल होने के बाद आपको पता चलेगा। सो गाइस अभी क्या करते हैं, अभी इंस्टॉल करते हैं इसको और आपको दिखाते हैं कि कैसे इंस्टॉल करता है। भाई जो है बाइक का वाइज़र खोलना पड़ेगा पहले, और वाइज़र अगर नहीं खोलते आप तो एक पैनल होता है वाइज़र के नीचे वाला मीटर पे जो पैनल होता है आरएस का, उसको खोलना पड़ता है, और फिर वायर को जो है वो प्रोजेक्टर के अंदर से ही लेना पड़ता है हमको, और जो है वायरिंग का कनेक्शन करना पड़ता है। सो वो हम पूरा प्रोसेस जो है आपको दिखाएंगे जितना हो सकेगा। तो गाइस देखते रहिए वीडियो और बताइए लगने के बाद कैसा लगा। और अगर आपके पास आरएस है और आपने नहीं लगाया है ये वाला रिंग लाइट, तो मेरा वीडियो देखने के बाद गाइस आप बताइए कि लगाना चाहिए या फिर नहीं। सो वायरिंग से छेड़खानी उतना ज़्यादा नहीं करेंगे हम, सिंपल शॉर्टकट में करेंगे, डायरेक्ट स्विच से कनेक्शन करेंगे हम। तो अभी आपको दिखाते हैं इंस्टॉल करके। सो अभी बाइक पे मिलते हैं गाइस। सो गाइस आप देख सकते हैं कि पैनल को यहाँ पे खोल के रख दिया है जो मीटर का पैनल होता है, और गाइस जो रिंग लाइट पे वायर लगा के यहाँ पे हमने ब्लैक टेपिंग कर दिया है गाइस। और अभी यहाँ से आप देख सकते हैं कहाँ से घुस रहा है, ये एकदम ऊपर से घुसेगा प्रोजेक्टर के ऊपर वाला जो पार्ट होता है वहाँ से घुसेगा गाइस। तो आप देख सकते हैं तो गाइज लेफ्ट साइड पे मैंने ब्लू लगाया है और राइट साइड पे यहाँ पे गाइज रेड लगाऊंगा। सो ये वाला पार्ट जो है ये अपर में जलता है, ये डिपर में जलता है, सो इसलिए गाइज ये ब्लू वाले का जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा आएगा, तो इसलिए इसको यहाँ पे लगा दिया और रेड वाले को वहाँ पे लगाएंगे। Thank you.
तो गाइस आप देख सकते हैं कि एक साइड का जो है यहाँ पे लग चुका है, और इसको हमने पूरा जो टेप खोल के नहीं लगाया है, इसको अभी सिंपल रखा है गाइस, कनेक्शन अभी करना है। तो एक और जो है रेड वाला पार्ट जो इसको अभी लगाना है गाइस, तो उसी के लिए तैयारी जो है गाइस चल रहा है। तो यहाँ पे ये ऐसे लगेगा, आप देख सकते हैं RS का जो रिंग लाइट है वो ऐसे ही लगता है। तो लगने के बाद गाइस दिखाएंगे आपको कैसा लुक जो है आता है, तो देखते रहिए गाइस, बने रहिए वीडियो में। तो गाइस इस साइड का भी हमने लगा दिया, अभी आप देख सकते हैं ये रेड यहाँ पे लग गया, ये ब्लू वाला यहाँ पे लग गया गाइस। अभी जो है वायरिंग का काम चालू है गाइस, तो वायरिंग करते हैं और इसको आपको लगा के दिखाते हैं। पहले ये डबल टेप का जो ग्लू है गाइस उसको खोलना पड़ेगा, और उसके बाद इसको चिपकाएंगे लाइट के ऊपर, और फिर उसके बाद जो कनेक्शन हो रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो कनेक्शन होने के बाद गाइस यहाँ पे हम एक स्विच सिस्टम करेंगे। तो गाइस रेड वाला जो वायर है गाइस, उसको हम एक जो है लेफ्ट साइड का जो DRL है उससे कनेक्शन कर रहे हैं गाइस। ये दोनों लाइट का एक ही कनेक्शन कर रहेंगे, दोनों साइड से नहीं करेंगे। तो एक वाला जो है आप देख सकते हैं वो लग चुका है यहाँ पे, और दूसरे का अभी भी लगेगा। तो इसको पहले टेपिंग करेंगे ताकि जो है पानी वगैरह अगर गिरे तो गाइस शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो। तो गाइस एक साइड का भी जल रहा है गाइस, आप देख सकते हैं ब्लू कलर में, और गाइस एक साइड का भी बाकी है। तो गाइस आप देख सकते हैं गाइस अभी जो है लाइट का कनेक्शन हमने कर दिया है, और दोनों लाइटें जल रही है गाइस, आप देख सकते हैं रेड और ब्लू। तो गाइस कैसा लग रहा है बताइए गाइस, और रात में एक खाली जगह में जाकर आपको दिखाएंगे DRL के साथ जो है कैसा लग रहा है रिंग लाइट। सो अभी वाइजर फिटिंग करेंगे, और यहाँ पे स्विच सिस्टम कर दिया है हमने, आप देख सकते हैं स्विच को इंस्टॉल कर दिया है। तो अभी डबल टेप को हम लगाएंगे, और उसके बाद जो है गाइस ये पूरा काम जो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको दिखाएंगे। सो लुक गाइस कैसा लग रहा है बताइए। तो गाइस वाइजर लग चुका है, और दूर से एक बार आप लुक देख लीजिए गाइस कैसा लग रहा है। सो क्या ही बताए गाइस, क्या ही लुक आ रहा है ब्लू और रेड में गाइस। तो अभी डबल टेप को चिपकाएंगे, और उसके बाद जो काम पूरा हो जाएगा गाइस। सो गाइस एक साइड का जो है डबल टेप हमने चिपका दिया है, और अभी दूसरी साइड का बाकी है। तो गाइस बोथ साइड का जो है डबल टेप हमने चिपका दिया है, और लुक गाइस ये ब्लू आप देख सकते हैं, और यहाँ पर रेड, एक बार फोकस कर लेता हूँ मैं। सो गाइस क्या ही लुक आ रहा है। सो गाइस आपने देखा कि रिंग लाइट क्या होता है, कैसा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू जल रही है, यहाँ पे रेड, ये DRL के साथ जो है कनेक्शन इसका करना पड़ता है। सो अगर आपके पास RS है तो गाइस आप ये रिंग लाइट जो है वो लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा जो है लुक आपको मिल जाएगा। और गाइस ऐसी कुछ मॉडिफिकेशन
करना चाहिए अगर बंदे के पास कोई अच्छी बाइक हो तो, अच्छा भी लगता है दिखने में। गाइस कमेंट करते पूछते लोग कि कहाँ से लिया, कैसे करवाया। और गाइस अगर आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। गाइस आपके भैया को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस सो नया नया वीडियो हम डालते रहेंगे, काफ़ी सारा मॉडिफिकेशन बाकी है। हैज़र्ड फ्लेशर इंस्टॉल करना है, चारों इंडिकेटर पे एक साथ जलाना है, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसी जो है फाइनल लुक जो है आती है हमारी। सो अभी थोड़ा पिक्चर खींचते हैं और उसके बाद आपको जो है सिनेमेटिक्स दिखाएंगे हम कि कैसा लगता है ये। सो पिक्चर खींचने के बाद गाइस आपको पता लगेगा कि फाइनल व्यू जो कैसा आ रहा है। और अगर हम खाली जगह पे जाएंगे, अभी तो यहाँ पे रात फ़िलहाल रात है और लाइटें वगैरह चल रही है, इसलिए गाइस उतना ज़्यादा आपको पॉइंट ऑफ व्यू से दिख नहीं रहा होगा। सो गाइस अगर आप कोई खाली जगह पे जाते हैं जहाँ पे पूरा अंधेरा हो सो क्या ही लुक, डेविल लुक आ जाएगा गाइस। सो कैसा लगा मॉडिफिकेशन बताना गाइस। और 400 रुपये में मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया जो है मॉडिफिकेशन आपको मिल जाता है। स्विच का आपको एक्स्ट्रा पैसा लगेगा 60 रुपया और लगाने का कुछ चार्जेस। सो गाइस आप लगा सकते हैं 400 रुपये में, कुछ बुरा इंस्टॉलेशन नहीं है गाइस। सो मॉडिफिकेशन कराना चाहिए ऐसा कुछ। सो गाइस अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए, अपने भैया को सब्सक्राइब करिए। और टॉप स्पीड का वीडियो जल्दी आने वाला है, कितने गियर में कितने जाती है वो भी जल्दी आने वाला है गाइस। सो जो मेरा पुराना वाला हेलमेट था जिसमें मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता था, वो गाइस मुझे अभी ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे पड़ा हुआ है। सो उसको ढूंढेंगे और उसके बाद जो है हम अपलोड करेंगे कि कितने गियर में कितना जाती है। और राइडिंग वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि पिकअप कैसा आता है गाइस। सो चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस और बताइए, मैं थोड़ा सा पिक्चर खींच लेता हूँ, सिनेमेटिक्स आपको दिखाऊंगा। सो मिलते हैं एक नए वीडियो में गाइस। अच्छा लगा होगा मॉडिफिकेशन तो कमेंट करिए और बताइए कि कैसा लग रहा है, लुक कैसा आ रहा है। तो पास से दिखने में गाइस बहुत ही बढ़िया लुक आ रहा है और एक खाली जगह पर जाकर भी हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे, थोड़ा सा आपको दिखा देंगे। सो मिलते हैं गाइस एक नए वीडियो में, बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। नए नए वीडियो हम डालते रहेंगे, फ्लैशर का हैज़र्ड फ्लैशर का भी इंस्टॉल कराना है अभी, तो उसको भी हम ऑर्डर करेंगे, उसको भी लेकर आएंगे, लगाएंगे और आपको दिखाएंगे। सो बाय फ्रेंड्स। सो गाइस ये हेडलाइट जलने के बाद का व्यू है, ये एक प्रोजेक्टर जल रहा है यहाँ पे गाइस, हमने अपर को अभी नहीं दबाया है इसलिए रेड जो है वो जल रहा है। और अभी आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर जलने के बाद जो है पता नहीं लगेगा उतना, पर फिर भी जो है पास वाले बंदे पता लगेंगे कि कोई लाइट जो है रिंग लाइट वगैरह लगी हुई है। सो देख सकते हैं गाइस और अपर भी करके दिखा देते हैं हम आपको। गाइस खाली रोड है और आप देख सकते हैं गाइस लाइट का जो फोकस है वो कैसा आ रहा है, खतरनाक वाला एकदम लुक दे रही है गाइस। आप देख सकते हैं दूर से, मैं दूर ही खड़ा हूँ बाइक से गाइस। सो लुक देखिए गाइस कैसा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया जो हमको लुक मिल जाता है यहाँ पे। और लाइट का पावर देखिए गाइस, पूरे रोड पे जो है वो लाइट्स में बदल दे रही है गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ से मैं साइड में खड़ा हूँ बाइक के। सो सिर्फ DRL और ये रेड और ब्लू में ही गाइस इतना ज़्यादा फोकस हमको आ रहा है। अगर कोई बंदा भी सामने खड़ा होगा गाइस तो उसको भी दिख जाएगा। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फोकस कर रही है लाइट। सो कैसा लगा गाइस बताना ज़रूर। और अच्छा लगा अगर वीडियो तो गाइस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।